पूर्व रा प्रमुख एएस दुलाट के द्वारा किए गए खुलासे के बाद कांग्रेस को भाजपा के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। इसी बीच वाजपेयी सरकार में मंत्री रहे यशवंत सिन्हा ने दुलाट के दावों को खारिज करते हुए कहा है कि सरकार ने कंधार मामले में कोई गलती नहीं की। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला साल 1999 में इंडियन एयरलाइंस के विमान के अपहरण की घटना के समय यात्रियों को मुक्त कराने के बदले तीन खूंखार आतंकवादी को छोड़ने का फैसला होने के बाद एक बैठक में तत्कालीन रॉ प्रमुख एएस दुलाट पर चीख पड़े थे। जयपुर आगरा हाईवे पर सड़क हादसे में घायल एक्ट्रेस और बीजेपी एमपी हेमा मालिनी की सर्जरी हुई है। फोर्टिस अस्पताल में भर्ती हेमा की हालत में सुधार है, वहीं पूरी तरह होश में है और बात भी कर पा रही है। फोर्टिस हॉस्पिटल के डॉक्टर पी तांबोली ने कहा कि हेमा मालिनी की नाक में फ्रैक्चर था। सेंट स्टीफन कॉलेज के छेड़छाड़ मामले में इसके प्रिंसिपल द्वारा आरोपी को बचाने के प्रयासों के आरोप लगने के बीच मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने शुक्रवार को इस विवाद में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। मंत्रालय ने कहते हुए मामले में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया कि इस प्रकार के मामलों में संस्थान की आंतरिक शिकायत समिति द्वारा उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देशों के अनुसार निपटा जाए। पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर के बाद आम आदमी पार्टी की एक और विधायक भावना गौड़ अपनी शैक्षणिक योग्यता को लेकर जांच के दायरे में आ गई हैं। दिल्ली की एक अदालत ने उनके खिलाफ विधानसभा चुनावों में कथित तौर पर हलफनामे में गलत जानकारी देने के आरोप में आपराधिक अभियोजन चलाने की मांग करने वाली शिकायत पर संज्ञान ले लिया है। सांसदों के वेतन और भत्तों पर बनी ज्वाइंट कमेटी की आधी सिफारिशों को मानने से सरकार ने इनकार कर दिया है। खबर है कि सरकार ने कमेटी की 65 सिफारिशों में से 18 को अस्वीकार कर दिया है, जबकि 15 में वह असहमत है। आतंकवादी अमरनाथ यात्रा के दौरान किसी बड़े आतंकी हमले को अंजाम देने की साजिश रच रहे हैं। भारतीय सेना का दावा है कि करीब 200 से 225 आतंकियों का जत्था सीमा पर घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है। जानकारी के मुताबिक आतंकवादी अमरनाथ यात्रा के दौरान किसी भयंकर कांड को अंजाम देकर दहशत फैला सकते हैं। इसके लिए आतंकी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में एलओसी के निकट घुसपैठ की तैयारी कर रहे हैं। सुपरस्टार सलमान खान और फिल्मकार सुभाष घई के संयुक्त निर्माण की नई फिल्म हीरो अब 4 सितंबर को प्रदर्शित होगी। पहले यह 25 सितंबर को प्रदर्शित होने वाली थी। निखिल आडवाणी निर्देशित यह फिल्म 1983 में जैकी श्रॉफ और मीनाक्षी सिन्हा अभिनीत हीरो का रीमेक है। प्रवर्तन निदेशालय ने आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी के खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष एन श्रीनिवासन का बयान दर्ज किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार को मोदी के खिलाफ दर्ज एक मनी लॉन्ड्रिंग मामले सिलसिले में श्रीनिवासन का बयान दर्ज किया।